औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आपकी वीकली हॉरोस्कोप के साथ हाज़िर है, 1 से लेकर 7 तारीख तक आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, इसमें क्या बेहतरियाँ आ रही हैं आपके लिए। एरी से लेकर पाइसिस तक एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो तमाम व्यूअर्स को जो है वो आने वाली ईद जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। इस वीक पे जो लास्ट वीक पे जो आम इवेंट्स हुए उसके साथ डेफिनेटली जो है वो रहेंगे, मसलन जैसे शरफ़ ज़ोहरा जो है 29 और 30 अप्रैल को रहा, इसके अलावा यकम को जो है वो सूरज ग्रहण के असरात हैं, फिर इसके बाद जो है वो नया चांद जो चढ़ रहा है शवाल का, उसके भी पॉजिटिव असरात जो हैं वो आपको इस वीक में हासिल होंगे। तमाम बुर्जों के ऊपर इसके असरात होंगे। इस वीक का जो इसमें आज़म है वह है या फताह या रज़ाक, ये दो असमाल उसना का वर्द जो है बकसरत करें, कुशादगी रिज़्क के लिए, तरक्की के लिए, हर काम में बेहतरी के लिए, हर काम में कुशादगी के लिए आपके लिए बहुत मौसर ये वजीफा 313 बार, 786 बार या 1100 बार। इसके अलावा जो है सदकात में इस हफ्ते में ख़ासतौर पर चूँकि ईद का त्यौहार आ रहा है तो अपने दिगर ज़रूरतमंदों में जो है वो आप ईदी तकसीम करें, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें राशन कपड़े जूते जो भी जिस तरीके से भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं अपने इर्द-गिर्द लोगों की उनकी खुशियों में, तो वो एक बहुत बड़ा सदके का काम होगा। आगाज़ करते हैं ईरीज से। ईरीज वालों के लिए ये हफ्ता जो है मुआशी तौर पे बहुत बेहतर जा रहा है, आपको अपनी आमदन में इजाफा महसूस होगा, आपने अपने ब्रांड को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ये वीक आपके लिए फाइनेंशियल बहुत सारी बेहतरियाँ ला रहा है। आपको अपनी जॉब के अंदर जो आप की बहुत फोकस होकर आप एफर्ट कर रहे थे लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रही थी, आपकी प्रमोशन पेंडिंग में चल रही थी, तो आज प्रमोशन भी इस वीक में आपको मिलती हुई नज़र आती है, कोई अवार्ड भी आपको अपनी जॉब की तरफ से मिल सकता है। घर की कोई टूटी फूटी अशिया मेंटेनेंस की जो के लिए ज़रूरी थी, या दफ्तर की कोई बहुत सारी अशिया जो मेंटेनेंस के काबिल थी उनकी मेंटेनेंस करने का भी मौका मिलेगा। टॉरस टॉरस वालों के लिए यह है कि आज ये वीक जो है वो आपके रिश्ते शादी के मामलों में बहुत आसानी पैदा कर रहा है। अगर आप पसंद की शादी करना चाह रहे हैं या अरेंज मैरिज करना चाह रहे हैं या रिश्ते शादी में कोई रुकावट चल रही थी, इख्तलाफा चल रहे थे, तो वो आज ये हफ्ते में दूर होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जो जिन लोगों की मंगनी हो चुकी है और रिश्ता तय पा चुका है लेकिन उसके बावजूद भी वो मामलात में कुछ कशीदगी चल रही है, उनके मसाइल हल होते हुए नज़र आते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान में जो इख्तलाफात हैं अज़्दवाजी और घरेलू आपकी कोई उलझनें जो थी वो टॉरस वालों की ये इस हफ्ते में बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई ना कोई पॉजिटिव रास्ता जो है वो नज़र आएगा, अगर आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है अपने लाइफ पार्टनर से तो वो सॉल्व होता हुआ नज़र आता है इस हफ्ते में। जेमिनी, जेमिनी में ये आज आपके ऊपर इस वीक में ज़रा जज्बाती रवैया आप पे तारी रहेंगे, आप चीज़ों को मामलात को कारोबार है चाहे आपका रोज़गार है चाहे आपकी जॉब है चाहे आप सफ़र में हैं चाहे आप किसी भी बिजनेस में हैं, आप जो भी स्टेप्स करेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि जज्बाती रवैया जो है वो करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। यानी ज़्यादा हार्श होकर ज़्यादा फास्ट होकर जो है वो आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं जज्बाती डिसीजन लेते हैं तो वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि इस वीक में आप जो है वो बहुत हम्बल के साथ तदब्बर के साथ फहम के साथ जो है मामलात को डील करें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ लोगों से काफ़ी इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। कैंसर वालों के लिए ये कि ज़मीन जायदाद के हवाले से ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नया एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, कोई डील करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको भरपूर मुनाफा जो है वो इस वीक में मिलता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जो है अगर वरासती मामलात हैं, ख़ानदानी मामलात हैं, तो प्रॉपर्टी से मुतलका मामलात हैं, अगर वो सोल्यूशन उसका नहीं हो पा रहा था तो इस वीक में वो सोल्यूशन होता हुआ नज़र आता है। लीव वालों के लिए ये वीक जो है वो सेहत के हवाले से बहुत अच्छा है, आपको अपनी सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी और ख़ास तौर पर अगर आपकी सेहत में कमज़ोरी थी तो इस वीक में आपको एनर्जी लेवल बेहतर होगा, आपकी बहुत सारी जो मूजी अमराज हैं उन पर काबू पाने में उनको काबू पाने में आप कामयाब हो जाएंगे अमराज पे, और आप अपने आप को पहले से बेहतर अपनी सेहत को महसूस करेंगे। आपकी एक्सरसाइज की रूटीन बेहतर हो सकती है, आपकी वॉक की रूटीन बेहतर हो सकती है, आपकी परहेज़ की रूटीन जो है वो इस वीक में बेहतर रहेगी, आपका हेल्थ लेवल जो है वो बेहतर होगा। विर्गो की आमदन में इजाफा हो रहा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर हो रहा है, आप को कोई ऐसा सपोर्ट मिल सकती है किसी ऐसे दोस्त की, किसी ऐसे फ़र्द की, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई ना कोई ऑर्डर ऐसा मिल सकता है जिससे आपका बिज़नेस भरपूर बूस्ट करता हुआ नज़र आता है। लिब्रा
लेबर वालों को यह है कि ख़ानदानी मामलों में कुछ मुश्किलात का सामना हो सकता है, कुछ लोग आपकी मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं, आपको कुछ मामलों में साजिशों का सामना हो सकता है, कुछ मुखालफीन की मुखालफत आपके लिए परेशानी का बाइस हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में आपको बड़े तहम्मुल से, तदब्बर से अपने इर्द गिर्द के लोगों से मशवरा करके अपने मामलों को जो है वो डील करने की ज़रूरत होगी। इस वीक में आपको कोशिश करनी होगी कि जो है बिला वजह किसी पे भरोसा ना करें। अगर कोई आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो उसको भरपूर तौर पे उसकी रीडिंग करके और किसी कानूनी माहिर से या अपने किसी मुखलिस दोस्त से मशवरा करके आप वो एग्रीमेंट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सेक्रेटरीज वालों के लिए यह है कि ये सफ़र के हिसाब से बहुत अच्छा हफ्ता है। वो लोग जो सफ़र वर्क वीज़ा के लिए एफर्ट कर रहे हैं, जो लोग इमिग्रेशन के लिए एफर्ट कर रहे हैं, जिनके बैरूनी मुल्क रहते हैं लेकिन रेजिडेंस के हवाले से या ग्रीन कार्ड के हवाले से या अपने अपनी जो है वो सफ़र का स्टेटस क्लियर नहीं हो पा रहा, अगर आप किसी को अपने किसी करीबी को बैरूनी मुल्क बनाना चाहते हैं तो आप उसमें मुश्किलात का सामना है, आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल के मसाइल चल रहे हैं, तो ये सारे मसाइल आपके हल होते हुए नज़र आते हैं। अंदरूनी मुल्क भी सफ़र में आपको कामयाबी होगी। सेल्स एंड मार्केटिंग से तलक रखने वाले लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छे मुनाफा ला रहा है। इसके बाद सेक्रेटेरियस वाले हैं, सेक्रेटेरियस वालों को अपने दफ्तरी मामलों में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। छोटी सी कोई गलती, अगर कोई फाइलों में कोई ऐसी गलती, या आप अगर आप अपनी जॉब में थोड़ी सी तवज्जो नहीं देते तो कोई गलती आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। आपको कोशिश और करनी पड़ेगी कि अपनी जॉब पे भरपूर तवज्जो दें। इसी तरीके से बिज़नेस के मामलों के हवाले से भी सेक्रेटेरियस वालों को अपनी बिज़नेस स्ट्रेटजी, बिज़नेस की मार्केटिंग, बिज़नेस की सेल्स, बिज़नेस से मुतल्लिक़ जो अफराद आपके इर्द गिर्द स्टाफ है उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस बहुत भरपूर तौर पर रखा। अदरवाइज़ किसी किस्म का फ्रॉड का अंदेशा जो है वो पैदा हो सकता है। कैप्रिकॉन वालों के लिए यह है कि ये वीक आप लोगों के तालीमी मामलों में बहुत बेहतर है। तमाम कैप्रिकॉन वाले जो तालीमी तौर पे अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे थे, इस वीक में अपने आप को फोकस करते हुए नज़र आते हैं। अपनी जहनी सलाहतें आपकी बढ़ रही हैं, आपकी कारोबारी सलाहतें बढ़ रही हैं, आपकी ब्रेन एनर्जी जो है वो इस वीक में बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। एक्वेरियस वालों को जो है इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर जो है वो मसरूफियत आपकी सोशल में मसरूफियत बहुत रहेगी। मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत का मौका मिल सकता है। बहुत सारे दोस्त अहबाब आपके पुराने दोस्त अहबाब से रब्ता हो सकता है। आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में भरपूर बेनिफिट देते हुए नज़र आएंगे। पाइसिस वालों के लिए यह है कि अपनी आज ये वीक जो है आपकी सोच में तब्दीली ला रहा है। अगर आप सोच में नेगेटिविटी थी तो आप पॉजिटिविटी की तरफ आते हुए नज़र आते हैं। आपकी सोच में जो एक नयापन पैदा हो रहा है, इनकलाबीपन पैदा हो रहा है। अगर आप कामों में गफलत का शिकार थे, आप कामों में स्लो थे, आप अपनी ज़िंदगी के मामलों को टैकल करने में, फैसले करने में, अपने मामलों को डील करने में अपनी मेहनत उस तरीके से नहीं कर पा रहे थे अपने कामों में जितनी करनी चाहिए, और उतनी अलर्टनेस आप में नहीं थी, उतनी विजिलेंस नहीं थी जितनी होनी चाहिए, तो ये वीक आपको बहुत एनर्जी दे रहा है। आप हर काम में एक्टिव होकर काम करेंगे और उसके रिजल्ट्स भी आपको भरपूर और एक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारी नाकामियाँ आपकी ख़त्म होती नज़र आती हैं। तो ये वीक जो है ख़ासतौर पर इसका एक मुख्तसर सा जायज़ा आपको पेश किया है। अगर आप किसी किस्म की कंसल्टेंसी चाहते हैं, जायचस्त ख़राब ना बनवाना चाहते हैं, अपना लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं, या अपनी बुर्ज सराही लोहे मुश्तरी, लोहे तारा, लोहे शम्स, लोहे जोहल या सास तारों के लो बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। तो अगर ये हफ्ता हम सबके लिए बेहतरी का बाइस हो। वसलम वरहमत लाला वबरकातुहू।